कोतवाली थाना क्षेत्र के खूनीपुर में अकरम और शमीम के बीच नाली और सड़क के मामूली विवाद में तथाकथित सपा नेता अकरम ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक निकालकर शमीम अहमद पुत्र सब्बीर अहमद निवासी खूनीपुर को गोली मार दी। इस घटना में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पाकर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक की हालत नाजुक बताते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। आपको बता दें कि घायल शमीम LIC में बतौर एजेंट के रूप में काम करते हैं, जबकि आरोपित अकरम खान समाजवादी पार्टी का तथाकथित नेता है और सपा के कई अन्य नेताओं के साथ फेसबुक पर अकरम की फोटो लगी है। फिलहाल गोली चलाने वाला अकरम खान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि उसके पिता और छोटे भाई को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि आरोप है कि सड़क और नाली का विवाद में खूनीपुर निवासी परवेज अहमद और अकरम ने शमीम को गोली मार दी है। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्त मौके से फरार हैं तथा जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्या हो?